नहीं हुआ था तब का है, मैंने खिंचवाया था। कपड़े 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 वाह कपड़े ही वाह आपको दिखेंगे मेरे घर में। वाह, फाइनली मेरे पतिदेव को अब मुझसे छुटकारा मिलेगा ना। मेरे हेयर की हालत बिल्कुल खराब हो। सो गाइज, आज कुछ और भी मिला है, पिटारा खुला है, तो मैं हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। और अभी शायद 1 बज रहा है ना, नहीं 1:30 बज रहा होगा, 1:30 बज रहा होगा। और मैंने अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। मेरा घर आपको अभी कुछ दिन तक फैला फैला दिखेगा क्योंकि पैकिंग स्टार्ट हो गई है और मेरा बन रहा है यहाँ लंच। ये रोज मुझसे बोलते थे कि बक्से खोल देना, बक्से खोल देना, तो फाइनली आज मैंने बक्से खोल दिए हैं और सारा कपड़ा निकाल दिया है। और ये, अरे ये दिखाना, और कुछ पुरानी तस्वीरें मिल गई है। ये देखो, ये मेरा गौना नहीं हुआ था तब का है, मैंने खिंचवाया था। और मेरे घर का हालात देखो, सारे कपड़े निकले। ये पीहू को तो हो जाएगा। सारे कपड़े 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 ही आपको दिखेंगे मेरे घर में अभी, और ऐसे ही घर फैला फैला दिखेगा। हाँ जी सुनिए, अब हम जा रहे हैं। कैसा फील कर रहे हो? अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। नहीं, फाइनली मेरे पतिदेव को अब मुझसे छुटकारा मिलेगा ना जी। मार्क्स नहीं देते। हैप्पी? बहुत हैप्पी है, देख सकते हो आप। क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इसे है, फाइनली प्रिंस के मन का हो रहा है अब ना। प्रिंस इधर तो देखिए, पीहू पापा को छोड़ के जा रही हो, कैसा लग रहा है? हाँ? अच्छा नहीं लग रहा है। पहले तो पीहू ट्रेन में बैठते रोने लगती थी, नहीं घर से निकलने से पहले और रोना स्टार्ट कर दी, पापा को नहीं छोड़ के जाएंगे। अभी थोड़ी समझदार हो गई, समझने लगी कि अभी हमें जाना पड़ेगा। पीहू लेके आई मेरे लिए ग्रीन टी बना के, और ये जो मेरे पति देव है इनको बुला बुला के मैं 2 घंटे से थक गई। मतलब जब तक पैकिंग खत्म नहीं होगा ना, ये ऐसे ही मुझे पागल बनाएंगे और ये पैकिंग करते रहेंगे करते रहेंगे। बट कोई सामान आपको मिलेगा नहीं, ये फिर से मुझे करना पड़ेगा। और मैं तब से बुला रही हूँ बट ये आ ही नहीं रहे हैं। और भर दिए तुम बक्सा? अरे यार, हमारा तो अलग रखना था ना, अपना अलग रखना था, गरम हो या ठंडा अपना अलग करना था। तुमने सब एक ही बक्से में डाल दी, इसलिए हम बोल रहे थे कि मत करो मत करो। ठीक है, वो बक्सा तो बक्सा में खाली था, ये निकालने वाला है। वो बक्सा भी खाली है, वो आगे वाले रूम का बक्सा ना। हाँ। ये दोनों बक्से का कपड़ा था। कहाँ पे? ये दोनों बक्से का कपड़ा था, इस बक्से का भी और उस बड़े वाले का। हाँ, उसमें बस एक रजाई और एक कम्बल है बस। आप देख सकते हो इन्होंने पूरा बक्सा भर दिया है। और अभी ये सब, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, आज शुरुआत हुई है। हाँ जी, ये कब तक चलेगा पैकिंग? घर से जब तक निकलेंगे नहीं तब तक पैकिंग चलेगी। मेरे हेयर की हालत बिल्कुल खराब हो गई है। मैंने एक बार स्मूथनिंग करवाया था अपने हेयर में, और तब से ना मेरे हेयर देख सकते हो कैसा हो गया है। इसलिए स्मूथनिंग वगैरह कराने का आप सोच रहे हो तो बिल्कुल ना कराओ। मेरा एक बार का शौक था कि मैं कराऊं अपना हेयर स्ट्रेट, करवाने के बाद और खराब हो गया मेरा बाल। अब क्या देख रहे हो? वो वाला देना मेरा फोटो, ये वाला साड़ी वाला, साड़ी वाला, साड़ी वाला, दो ये फोकस नहीं करता है यार मेरा कैमरा। ये मैं हूँ,
ये जब इनकी पोस्टिंग आई थी जम्मू, तब एक साल के लिए मैं घर पर थी। मतलब जब से बच्चे पढ़ने लगे तब से हम साथ साथ ही थे ना जी। सिर्फ एक साल के लिए हम जम्मू में, इनका पोस्टिंग था तो एक साल के लिए क्वार्टर नहीं मिला था, सिर्फ एक साल के लिए हम घर पे थे और एक साल बच्चे घर पर पढ़े थे। उसके बाद हम साथ साथ में थे। अब जब इनका मेरे को ज्यादा जरूरत था, 9-10 मतलब प्रिंस का था, तो फिर ये हमारे प्रिंस का रिपोर्ट कार्ड है, देख सकते हो, सेकंड क्लास का, जम्मू में। जम्मू में ये उस टाइम जम्मू में मीन्स पढ़ता था। वहाँ क्या करते थे ना, रैंक देते थे बस बच्चों को, मतलब ग्रेड देते थे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ऐसे करके नंबर नहीं देते थे। हमारा प्रिंस का देख सकते हो। क्या मेहनत किया इनका, ये रखना है क्या, क्या फालतू में वजन होगा, वजन के साथ जम्मू J&K। सो गाइज, आज कुछ और भी मिला है, पिटारा खुला है तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मैंने जम्मू में किया था ब्यूटीशियन का कोर्स, देख सकते हो, 20 जुलाई से 20 नवंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने का था ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब नहीं 4 महीने का था। और 20 नवंबर को मेरा फेयरवेल था और 20 नवंबर को हमारी बिटिया रानी का बर्थडे भी था, तो दो दो चीज़ सेलिब्रेट हुआ था 20 तारीख को। 2015 में मैंने ब्यूटीशियन का कोर्स भी किया था जम्मू में। हमें ये सब फैसिलिटी दी जाती है फैमिली मेंबर बनने से। एंटिटी कोर्स भी हो रहा था वहाँ अबोहर में, बस मेरे पतिदेव ने नहीं करवाया, शख्स ने नहीं करवाया, बोलते मेरा पोस्टिंग आ जाएगा बीच में, ये क्या है। बहुत लोगों ने किया बट इन्होंने नहीं करवाया, क्योंकि उस टाइम भी इनकी पोस्टिंग आने वाली थी, तो इनको था कि पोस्टिंग आ जाएगा तो फिर यहाँ कैसे रहोगी, कैसे करोगी। बट उन मैडम ने बोला था कि आप अगर कोर्स करोगे तो आपका क्वार्टर बढ़ जाएगा, बट इन्होंने बोला कि नहीं। उस टाइम हमारी यहाँ पोस्टिंग आ गई थी दिल्ली, तो हम आने वाले थे अक्टूबर नवंबर में, और जो NTT कोर्स होता है वो उसी टाइम होता है, जनवरी तक होता है। बट मैं रुकी थी बच्चों की पढ़ाई के लिए मार्च तक, और अगर मैं की होती NTT तो कर ली होती। सिर्फ मैंने ब्यूटीशियन का कोर्स ही किया अभी तक, फौज में मैं घूमी हूँ इतना बट कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्यूटीशियन का कोर्स किया। सिलाई का करने वाली थी बट मुझे सिलाई में इंटरेस्ट है नहीं, सिर्फ ब्यूटीशियन का है, तो मैं एक बार और अच्छा अच्छे से करूँगी, मतलब पूरा, ये तो ऐसे ही, मतलब बेसिक जो काम होते हैं ना वो सिखाया जाता है, बट अगर आपका प्रैक्टिस नहीं होगा तो सीखने का कोई फायदा नहीं। मेरा मन है कि मैं ब्यूटीशियन का अच्छे से एक बार फिर से करूँगी, तो ब्लीच और फेशियल ये सब तो हो जाता है, बस थ्रेडिंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सफाई चाहिए होता है, और मैंने किया नहीं था कभी किसी के ऊपर, तो इसीलिए तो फिर से मैं करूँगी, हो सके अब तो आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी अच्छे अच्छे वीडियोस मेकअप के, अगर मैं सीखने गई तो मेकअप के वीडियो से। क्या जी सीखे हम तो क्या, हाँ मेरा बेटा तो एकदम सपोर्टर है मेरा, प्रिंस का पहले बनाएंगे, सुनो प्रिंस है क्यों, आपको पहले बनाएंगे हम। मसाला बाबू बोलो, फंस गया तो फंस गया, मार रहे हैं मुझे ये। मैंने खाली कर दिया था बट फिर भी ये जो आदमी है ना। सो गाइज, क्लीन करते करते हमें ये टी शर्ट मिल गया है मेरे पति देव का, जो कि मेरे पति देव का आदत है लाकर और भर कर रख देती, तो ये मैंने पहन लिया है, कैसा लग रहा है ये, मैं लुकी लग रहा है क्या, अच्छा लुक लग रहा है, लुकी लुकी, वाह क्या इंग्लिश बोला यार आपने। तो जब मैंने पहन लिया तो फिर ये बोलते हैं, ये तो पहले दे रहे थे कि चलो दे देते हैं किसी को, बट जब मैंने पहन लिया तो बोलते हैं, अब उनका मन डोल गया कि मैं ले जाऊंगा, नहीं पहनो तो मैं ले जाऊंगा, ये तुम्हारा है पहन लेना, ये भी पहनने वाला है ना, एक काम करो तुम्हारा कपड़ा हम पहन लेते हैं, मेरा तू पहन लो, ठीक है। सो गाइस, तो अभी हो गया है टी टाइम, तो मैं टी पी रही हूँ, और आज मैं पी रही हूँ ब्लैक टी। तो हस्बैंड जी तो सारा फैला के जा चुके थे, तो मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, उसके बाद बर्तन बहुत सारा था वो मैंने वॉश किया और चाय बनाया,
पीहू ने पिया ग्लूकोन डी। हमारे घर में ग्लूकोन डी आ जाता है तो कोई वो नहीं है, पीने का टाइम टेबल नहीं है। सो आप लोगों ने जो मैंने वीडियो डाला था, पोस्टिंग आ गई है, पोस्टिंग आ गई है वो वाला वीडियो, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए उसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे बच्चों का एडमिशन मैं कहाँ करवा रही हूँ, ये जल्द ही आपको पता चलेगा। कोई सरप्राइज नहीं है, कंफर्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, बट दिल्ली में मैं नहीं रहने वाली हूँ, इतना कंफर्म है। या तो मैं ससुराल जाऊंगी या तो मैं मायके जाऊंगी, दोनों से एक जगह जाऊंगी। सो गाइज, आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, ओके, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।